नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत बीते कई दिनों से चर्चाओं में बनी हुई हैं। कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं। कुछ दिनों पहले वो थप्पर कांड की वजह से चर्चाओं में आ गई थी। दरअसल संसद जाने के लिए जब कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी, तब वहां CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं कंगना ने भी एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। भले ही कंगना रनौत के थप्पड़ कांड को एक महीने से ज्यादा का समय हो गया हो, लेकिन अभी भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। कंगना रनौत के थप्पड़ कांड को लेकर लोग दो धड़ों में बंट चुके हैं, जहां कुछ लोग कंगना रनौत का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कुलविंदर कौर का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अब कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने हिमाचल के मंडी सीट से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर का समर्थन किया है। अमृतपाल ने थप्पड़ मारने वाली CISF को बहादुर बताते हुए जमकर उनकी तारीफ की है। अमृतपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुलविंदर कौर के समर्थन में पोस्ट करते हुए लिखा, हम अपनी बहन कुलविंदर कौर के समर्थन में एकजुटता के साथ डटकर खड़े हैं। कुलविंदर का साहस पंजाब की बेटियों की ताकत का उदाहरण है। कंगना रनौत ने बार बार सिख समुदाय, हमारे किसानों और पंजाब की माताओं को अपमानित किया और परेशान किया। कुलविंदर ने हमारे समुदाय के प्रति दिखाए गए अनादर का सम्मान और लचीलेपन के साथ करारा जवाब दिया। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान की वजह से कुलविंदर कौर ने उन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ कांड के बाद कुलविंदर कौर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहती दिख रही थी कि कंगना ने किसान आंदोलन के समय कहा था कि आंदोलन में शामिल हुई महिलाएं 100-200 रुपए लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उस दौरान उन प्रदर्शनकारियों में मेरी माँ भी शामिल थी। इस घटना के बाद कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया था। हाल ही में खबरें आई थी कि कुलविंदर कौर का बेंगलुरु में ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी नौकरी बहाल कर दी गई है। हालांकि इस पर CRPF की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें बताया गया था कि कुलविंदर अभी भी निलंबित हैं और उनके खिलाफ जांच जारी है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। बता दें कि कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर कई जानी मानी हस्तियों ने बीजेपी सांसद का समर्थन किया था। एक्टर अनुपम खेर ने इस मामले में कंगना का समर्थन किया था। कुलविंदर कौर की हरकत पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कंगना के सपोर्ट में उतर गए थे। चिराग पासवान ने कंगना का समर्थन करते हुए कहा था, कुलविंदर कौर को कंगना को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, ऐसा करके उन्होंने अपने भाव को छोटा कर दिया है। बता दें कि 6 जून को एयरपोर्ट पर तैनात CRPF की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया था। तब कंगना चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली जा रही थी। घटना के बाद कंगना ने वीडियो जारी कर बताया था कि उन्हें थप्पड़ मारा गया है और गाली भी दी गई। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन पंजाब में बढ़ते आतंकवाद से चिंतित हूं। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको कंगना रनौत का ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू।